हाय एवरीवन, माय नेम इज श्रिया एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेसन अल्हम्ब्रा का ब्राइट पीच परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ये वाला परफ्यूम fragstock.com से ऑर्डर किया है एंड मुझे सबसे अच्छी डील इन्हीं के वेबसाइट पे मिली। देर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल जहाँ पे ये परफ्यूम अवेलेबल है, बट बेस्ट डील मुझे fragstock.com पे मिली, इसलिए आई एम गोइंग टू लीव द लिंक फॉर दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। नाउ लेट्स बिगिन विद द ओवरऑल पैकेजिंग नोट्स ब्रेकडाउन एंड एवरीथिंग अबाउट द परफ्यूम। सो एज यू कैन सी हियर, द पैकेजिंग इज सुपर गॉर्जियस। This is literally a complete clone, dupe or a rip-off of Tom Ford's Bitter Peach. And Bitter Peach Tom Ford का October 2020 में launch हुआ था, which was part of their collection Private Blend. And उसके बाद Mason Alhambra came with a complete clone of the Bitter Peach. एंड आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। मेरे पास टॉम फोर्ड का ओरिजिनल परफ्यूम तो नहीं है, ना ही मैंने स्निफ किया है, बट आई विल स्टिल ट्राई टू गिव माई परस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर परफ्यूम रादर देन मेकिंग दिस अ कंपेरिजन वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। इट कम्स इन दिस वेरी सॉलिड कार्डबोर्ड बॉक्स। मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, एकदम ब्राइट ऑरेंज कलर का बॉक्स है ये एंड सारी डिटेल्स यहाँ पीछे की तरफ मैंशनड हैं एंड यहाँ पे प्राइसिंग डिटेल्स मैंशनड है और नीचे की तरफ उनका ब्रांडिंग है। सो दिस इज़ मेसन अल्हम्ब्रा, बट दिस इज़ लाइक अ सिस्टर ब्रांच और अ चाइल्ड ब्रांच टू लताफा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट बिलोंग्स टू lataafa.com। सो मेसन अल्हम्ब्रा प्रोडक्ट आई थिंक सिस्टर ब्रांड है लताफा का एंड दे हैव कम अप विद सम अमेजिंग अमेजिंग ड्यूप्स। दिस इज़ वन ऑफ देम। एंड ओपन करने पर दिस इज़ हाउ द बॉटल इज़ लाइक। The packaging is a true copy of Tom Ford's Bitter Peach and the bottle looks very good, very classy. It doesn't look cheap at all. बहुत अच्छी packaging लगी मुझे इसकी overall and very straightforward packaging. And यहाँ पे logo है Mason Alhambra का Bright Peach और the parfum लिखा है and the cap is also having the Mason Alhambra का logo. Overall a very funky packaging, a very nice and funky packaging. Now let's talk about the notes breakdown and everything about it. Just going to spray a little bit here. The atomizer quality is amazing. बहुत अच्छे से diffuse होके perfume निकल रहा है बाहर. And ये वाला perfume एक काफ़ी sweet, peachy, fruity, kind of like green and sort of like green and woody and sweet fragrance है. नाउ इसमें थोड़ा सा एक पंच है एंड थोड़ा सा अर्थीनेस है। इसका अर्थीनेस मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगता है एक्चुअली। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रांग लीफी ग्रीन, सॉर्ट ऑफ लाइक अ वुडी फील टू इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब इट एग्जैक्टली व्हाट आई फील इज़ कि पीच फ्रूट का जो ट्री होता है, आई थिंक दिस परफ्यूम रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ इट। मतलब एकदम फ्रेश पीच लगा हुआ है एंड यू नो थोड़ी सी उस पर पेड़ के ऊपर थोड़ी फ्रेश ओस की बूंदें हैं, तो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक फ्रेशनेस, दैट एक्वा फ्रेशनेस इज़ देयर। देन पीच का फ्रूटीनेस, जूसीनेस इज़ देयर। देन उसके जो ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं उसका एक थोड़ा सा बिटरनेस, थोड़ा सा ग्रीननेस इज़ देयर। देन मिट्टी की थोड़ी सी जो खुशबू आ रही है उसकी वजह से एक अर्थीनेस है। तो एक पूरा एक सीन है ये, पीच का पूरा एक पेड़ जैसा लगता है मुझे। सो दिस इज लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीच ट्री फॉर मी राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। एंड इसका नोट्स ब्रेकडाउन भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट हैज़ पीच, ऑरेंज ब्लॉसम एंड सम ग्रीन नोट्स इन द टॉप नोट्स। इसके मिड नोट्स में पचुली है। पचुली इज़ वेरी डोमिनेटिंग इन दिस फ्रेगरेंस अपार्ट फ्रॉम पीच। एंड देन इसमें कॉगनैक एंड इसमें हनी है। नाउ हनी की वजह से एक ज़रा सा काइंड ऑफ लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीटनेस आता है। मतलब एकदम इट्स नॉट अ वेरी शुगरी काइंड ऑफ अ स्वीट, इट्स एन ऑर्गेनिक हनी वाला स्वीटनेस इज़ वॉट आई फील। सो दिस इज़ ओवरऑल हाउ द परफ्यूम स्मेल्स लाइक। नाउ आई हैव हर्ड दिस कि जो बिटर पीच परफ्यूम है टॉम फोर्ड का,
that is actually having that bitterness, booziness feel to it, and it has a lot more complex notes present in it. This is like a simpler, brighter, a more livelier, a more sweeter peach take on the Tom Ford Bitter Peach. So I absolutely enjoy this one, and the best part is ye ek unisex perfume hai. I think men and women can equally enjoy this perfume, and ye ek aisa perfume hai ki family mein har koi, matlab family mein har koi isko use karke enjoy kar sakta hai. Now I do find this little bit mature, matlab I don't see a very typical teenager wearing this one. No, I do see people in their 20s and plus rocking this perfume. This is a kind of perfume which you can comfortably wear in office and in a very casual occasion. मतलब अगर आप किसी friend से मिलने जा रहे हो, या आप lunch पे जा रहे हो, या family you know, एक family occasion, family get together में जा रहे हो, I think सारे casual occasions में ये एक काफ़ी अच्छा fit perfume है. Now I don't see myself wearing this during evening and night time, क्योंकि इसमें वो एक darkness, एक vampiness, एक गॉथिक स्वीटनेस मेरे लिए मिसिंग है. सो मेरे लिए ये डेफिनेटली एक डे टाइम परफ्यूम है. दिस परफॉर्म्स सो वेल ड्यूरिंग समर सीजन एज वेल. मैं इसे अभी इतना इंजॉय कर रही हूँ समर सीजन में. आई एम लाइक लिटरली पोरिंग माई सेल्फ विद दिस परफ्यूम एंड आई एम इंजॉइंग इट. ये एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है. ये मेरे ऊपर 6-7 घंटे तक चल जाता है. मेरे स्किन के ऊपर ये कम चलता है. स्किन के ऊपर 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता. एंड दैट टू आई हैव टू लाइक bring my hand so close to my nose to get the feel of the perfume. So definitely it's not something jo mere skin pe lamba chalta hai, but on my clothes this lasts for 6-7 hours easily. Aur main iske kareeb 6-7 spritz use karti hu. tab itna lagane ke baad, like 6-7 spritz lagane ke baad iski longevity mujhe 7 ghante ki mil jati hai. Now ye ek aisa perfume hai ki aap thoda बाहर धूप में निकलो या थोड़ा गर्मी में निकलो ना, तो भी ये एक्चुअली सस्टेन कर जाता है. सो आई लव दैट थिंग अबाउट दिस परफ्यूम. सो ओवरऑल मुझे इसकी लॉन्जिविटी अच्छी लगी. नाउ दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ परफ्यूम जिसका सियाज बहुत स्ट्रांग है. इट हैज़ अ मॉडरेट सियाज. इट डज़ नॉट लाइक फिल द रूम इन विच यू आर एंटरिंग. बट हाँ, अगर कोई आपके पास में बैठा हो या क्लोज इंटरेक्शन हो, थोड़ा यू नो आप किसी के बाजू में खड़े होकर बात कर रहे हो, या आप साथ में कॉफ़ी पी रहे हो, थोड़ा उतना क्लोजर अगर है तो डेफिनेटली दे विल गेट विस्प ऑफ योर परफ्यूम. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नॉन ऑफेंसिव काइंड ऑफ अ परफ्यूम. इतना कैजुअल पीची स्वीट परफ्यूम है ना ये, कि ये मतलब इट डज़ नॉट हिट बैड ऑन द नोज. मतलब ये काफ़ी प्लेजेंट, काफ़ी लाइवली, काफ़ी ऐसे सनी सा फ्रेगरेंस लगता है. इट्स अ वेरी ब्राइट डे काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस. एंड ये यू नो एक कुछ परफ्यूम्स में वो क्वालिटी होती है ना कि इट हैज़ अ वेरी मॉर्निंग फ्रेशनेस फील टू इट. इस परफ्यूम में एग्जैक्टली वो है. इट हैज़ अ सेंस ऑफ कामनेस ऑल्सो समहाउ. जिस परफ्यूम में थोड़ा सा ग्रीन एंड अर्थीनेस रहता है ना एक अच्छे बैलेंस के साथ, मुझे वो परफ्यूम्स काफ़ी कामिंग लगते हैं. तो मुझे एक्चुअली ये काफ़ी कामिंग परफ्यूम लगता है. एंड दिस इज समथिंग जो आप अगर बहुत if you are into a lot of work stress and you are in a back to back office calls and your head has stopped working and you're like out of your mind, this is the kind of fragrance if you spray, even not on yourself, just spray it in the air and enjoy it while it is in the air, you will get a calming sense in this perfume. I just feel it that way. So overall I feel that this is a good purchase. So for the price that you're paying, I think this perfume is a good performer. And इसका price, by the way, 80 ml का perfume is for 2500 and आपको ये करीब 2000 या 1800 में discount पर मिल जाएगा. So I think for that price point, this is a good purchase. This is a long lasting perfume, and for the price that you're paying, this is a justified performance. Also, I don't find this perfume to be a super serious kind of a fragrance. ये थोड़ा सा ऐसे fun परफ्यूम सा लगता है. एंड इट ऑन द ड्राई डाउन इट हैज़ अ स्लाइट बिट ऑफ अ बेबी पाउडर फील ऑन मी. मतलब पाउडरी फील, नॉट लेट्स नॉट कॉल इट बेबी पाउडर, बट इट हैज़ अ पाउडरी फील ऑन माई सेल्फ. लाइक आई गेट दैट पाउडरी फील आफ्टर द ड्राई डाउन फॉर दिस परफ्यूम. सो या दैट वॉज माई ओवरऑल टेक फॉर मेसन अलहम्ब्राज ब्राइट पीच. तो अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई डू वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो कि ये वाला प्राइवेट ब्लेंड कलेक्शन का ड्यूप था. एंड वी मे सी सम लीगैलिटीज़ ऑन मेसल अलहम्ब्रा और लताफा
फॉर ड्यूपिंग देयर परफ्यूम. सो मैंने ऐसा सुना है कि दिस मे गेट डिसकंटिन्यूड वेरी सून. सो बिफोर यू रन आउट ऑफ दिस परफ्यूम, इट्स बेटर दैट इफ़ यू आर इन टू पीची फ्रेगरेंसेज, यू शुड डेफिनेटली बाय दिस वन बिफोर इट रन्स आउट फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी यूनिक ब्लेंड. एंड परफ्यूम कलेक्शन अगर आपको पसंद है या थोड़ा यूनिक परफ्यूम में आप इंटरेस्ट रखते हो तो दिस इज़ समथिंग दैट यू मे एक्चुअली इन्जॉय. So my overall rating for this perfume is 9 out of 10. I thoroughly enjoyed this perfume and I will highly recommend it. So that's it for today's video. I hope that you enjoyed watching this review. If you did, then do hit the like button. Also subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very, very soon in my next video. Bye.